नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट, ईएसआईसी, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सोल्व करने वाले विद्यार्थी। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की, तो शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्टिक और गायनिक के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसी कड़ी को हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस ऑब्स्ट्रक्टिक के यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया मॉर्निंग बैच शुरू होने जा रहा है और तारीख है 25 अप्रैल। नया मॉर्निंग बैच कब शुरू होगा? 25 अप्रैल को शुरू होने वाला है। ये जो नया मॉर्निंग बैच है जो 25 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी टोटल ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ की रहेगी, 6 महीने का ये बैच रहेगा। 30 के 30 दिन क्लास रहती है, हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट यहाँ पे कैरीड आउट होते हैं। 6 महीने की इस क्लास के अंदर सारी की सारी कंसेप्चुअल स्टडी करवाई जाती है और इस नए बैच की रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल से पहले करवाने पे टोटल फीस में 2001 रुपये का डिस्काउंट है, तो 18,000 की जगह फीस लगेगी 15,999। टोटल 2001 रुपये का डिस्काउंट है 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे। रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका है, नंबर है 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके आज ही रजिस्ट्रेशन करवाए और इस नए बैच से खुद को जोड़े ताकि एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन और बेहतरीन कंसेप्चुअल स्टडी का फायदा उठा सके। 3,000 से 4,000 क्वेश्चन सॉल्विंग विद कंसेप्चुअल स्टडी नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इस बैच के अंदर करवाया जाएगा। इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के बाद में हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन को और आज के हमारे इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को और जवाब देने की कोशिश करें। सवाल आपसे पूछ रहा है, द नर्स इन चार्ज इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट बट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेज। लेडी जो है जिसके आप केयर दे रहे हो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर है, लेबर की पहली स्टेज के अंदर है लेडी। सवाल ने आपसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट बट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। सबसे शॉर्टेस्ट बट मोस्ट डिफिकल्ट, पहला है एक्टिव फेज, दूसरा है कंप्लीट फेज, तीसरा है लेटेंट फेज, चौथा है ट्रांजिशनल फेज। 4 तरह की फेज यहाँ पे लिखी हुई है, एक्टिव, कंप्लीट, लेटेंट और ट्रांजिशनल। विच फेज इज शॉर्टेस्ट बट मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ लेबर, जवाब लिखिएगा सर। विच इज द शॉर्टेस्ट बट मोस्ट डिफिकल्ट, जवाब लिखिएगा। क्या बात है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की एंड द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज इज द शॉर्टेस्ट बट मोस्ट डिफिकल्ट फेज। लेबर की 3 फेज, सबसे पहली होती है लेटेंट, फिर होती है एक्टिव और फिर होती है ट्रांजिशनल। 3 फेज होती है और लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल में लेटेंट जो होती है वो सबसे पहले आती है और 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन लेटेंट फेज में होता है, 0 to 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में एक्टिव फेज आती है जहाँ पे 4 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर तक, टोटल 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होता है। फिर 8 सेंटीमीटर से लेके 10, 8, 9 और 10, फिर 3 सेंटीमीटर हो रहा है ट्रांजिशनल फेज में। तो ट्रांजिशनल फेज, लेटेंट फेज जो होती है वो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये थोड़ी लार्ज होती है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ट्रांजिशनल फेज से, और दोनों में डायलेटेशन 3-3 सेंटीमीटर होता है। सबसे ज्यादा होता है एक्टिव फेज में 4 सेंटीमीटर का डायलेटेशन। तो ये करेक्ट आंसर बनेगा डी, जो कि डिफिकल्ट और शॉर्टेस्ट फेज होती है लेबर की। बात करें हम पिक्चर से अगर इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 फेज की हमने यहाँ पे बात की। पहला फेज है लेटेंट फेज, दूसरा है एक्टिव फेज और तीसरा है ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज 3 सेंटीमीटर का डायलेटेशन स्मूथली हो जाती है, एक्टिव फेज थोड़ी ज्यादा एक्टिव रहती है, 4 सेंटीमीटर का डायलेटेशन है, और ट्रांजिशनल फेज में होता है तो 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन है लेकिन बहुत टफ है, बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत टफ फेज है और काफी डिफिकल्ट फेज इसको माना जाता है। तो ये टफेस्ट फेज है, सी या डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ट्रांजिशनल फेज, ये टफेस्ट फेज होती है। पुशिंग फेज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आती है, जिसमें कंप्लीट डायलेटेशन के बाद में बेबी जो है वो बर्थ हो जाता है, इसको पुश कहते हैं, समझ लो बात को। यहाँ पे करेक्ट आंसर बना ट्रांजिशनल फेज, बहुत ही बढ़िया। अगर अपन बात करें फेज के टाइम ड्यूरेशन की तो ट्रांजिशनल फेज जो है 1-3 घंटे की होती है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है।
और ये शॉर्ट टेस्ट है, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट हमने माना फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, इंटेंस यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन इसके अंदर होते हैं। हर 1.5 से 2 मिनट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, जो कि 45 to 90 सेकेंड तक परसिस्ट करते हैं। हर 1.5 से 2 सेकेंड मिनट में कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, और जो रहते हैं लास्ट फॉर 45 to 90 सेकेंड, इस फेज को हमने बोला ट्रांजिशनल फेज, शॉर्ट टेस्ट बट डिफिकल्ट फेज ऑफ लेबर, समझ के बात को। दूसरी बात करता हूं मैं एक्टिव फेज की, 4.5 से 6 घंटे की फेज है, तो ये ज्यादा है, लंबी फेज है एक्टिव फेज ट्रांजिशनल फेज से। कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं आउट मॉडरेटली इंटेंस, ग्रो करते हैं स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट करते हैं 60 सेकंड तक, ये फेज होगी एक्टिव फेज। अगली फेज को हम बात करते हैं लेटेंट फेज की, तो 5 से 8 घंटे की ये फेज होती है, इट्स लास्ट फॉर 5 to 8 आवर्स, मार्क्ड बाय माइल्ड शॉर्ट इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शन। इसमें माइल्ड शॉर्ट और इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं लेटेंट फेज के अंदर। और जो कंप्लीट फेज है वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होती है, ये फर्स्ट स्टेज की फेज ही नहीं है, लेबर की सेकंड स्टेज की फेज है कंप्लीट फेज। तो 4 फेज यहाँ पे थे, ऑप्शन में था ट्रांजिशनल फेज, डी आंसर करेक्ट था, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट और डिफिकल्ट फेज होती है लेबर की। आई थिंक यू गॉट इट, आपको तीनों फेज समझ में आ गई होगी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, लेटेंट ट्रांजिशनल लेटेंट एक्टिव एंड ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल लास्ट में होती है, एक्टिव लेटेंट सबसे पहले होती है, 5 से 8 घंटे की होती है, एक्टिव फेज 4.5 से 6 घंटे की, सबसे ज्यादा टाइम लगता है लेटेंट फेज में, इसलिए उसको कछुआ बोलते हैं। लेटेंट फेज को क्या बोलते हैं? कछुआ बोलते हैं, लेटेंट कछुआ। और एक्टिव फेज को खरगोश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? खरगोश, है ना। ये 4.5 से 6 घंटे में, और सबसे ज्यादा डायलेटेशन इसमें होता है। और ट्रांजिशनल फेज होती है वो डिफिकल्ट होती है थोड़ी, है ना, डायलेटेशन भी 3 सेंटीमीटर 3 घंटे की होती है, शॉर्ट होती है लेकिन डिफिकल्ट होती है, टफ होता है थोड़ा मामला इसमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ट्रांजिशनल फेज। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज डेवलपिंग ए टीचिंग प्लान फॉर ए पेशेंट हु इज 8 वीक प्रेगनेंसी। पेशेंट जो है उसकी प्रेगनेंसी कितने वीक की है? 8 वीक की है। द नर्स टू टेल द पेशेंट दैट सी कैन एक्सपेक्ट टू फील द फीटस मूव एट विच टाइम। कब वो फीटल के मूवमेंट फील करेगी, है ना, किस समय फीटल के मूवमेंट फील करेगी? बिटवीन 10 to 12, बिटवीन 16 to 20, बिटवीन 21 to 23, बिटवीन 24 to 26। 4 तरीके के यहाँ पे वीक्स दिए हुए हैं। 8 वीक की प्रेगनेंसी है, फीटल मूवमेंट जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्विकनिंग। क्या बोलते हैं? क्विकनिंग। क्विकनिंग जो होता है वो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर अराउंड 16 to 18 वीक। कब फील करती है मदर? 16 से 18। अगर लेडी प्राइमी है, अगर लेडी क्या है? प्राइमी है, तो 18 वीक पे, और अगर लेडी मल्टी है तो 16 वीक पे। अगर मल्टी है तो 16 वीक और प्राइमी है तो 18 वीक पे फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट करती है लेडी, इसको क्विकनिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा 16 और 18 जो है 16 से 20, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिटवीन 16 to 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, 16 से 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, कई लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की। 8 वीक की प्रेगनेंसी है और 16 से 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर क्विकनिंग वहां पे असेस करेगी लेडी के अंदर, असेस करेंगे, ये आपको याद रखना है। अगर अपन पिक्चर से इस चीज को देखें, इमेज से देखें, तो देखिएगा क्विकनिंग क्या होता है, सिम्टम क्विकनिंग। सेकंड ट्राइमेस्टर का सिम्टम है क्विकनिंग, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्विकनिंग जो है वो 16 और 18 वीक पे असेस होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। इट डिनोट द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द वुमन। प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट होता है लोअर एब्डोमन का, प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट होगा लोअर एब्डोमन का, क्विकनिंग होता है सेकंड ट्राइमेस्टर का साइन, समझ गए बात को। अगर हम इसको एक और पिक्चर से देखें तो क्विकनिंग इज द फर्स्ट मूवमेंट योर बेबी मैक्स, आपका बच्चा जो पहला मूवमेंट बनाता है उसको क्विकनिंग के नाम से हम जानते हैं, और ये अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इज द फर्स्ट फीटल मूवमेंट विच इज मेक बाय बेबी, है ना, क्विकनिंग इसको अपन ने बोला। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्मल लोकिया फाइंडिंग इन द फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी इंक्लूड। डिलीवरी के बाद में पहले 24 घंटे, फर्स्ट 24 आवर्स में, डिलीवरी के बाद में फर्स्ट 24 आवर्स में नॉर्मल लोकिया फाइंडिंग क्या होगी? ब्राइट रेड कलर, लार्ज क्लॉट और टिश्यू फ्रेगमेंट, ए फाउल ऑर्डर, द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लोकिया। 4 तरीके की चीजें यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी नॉर्मल लोकिया फाइंडिंग क्या होगी? जवाब लिखिएगा फर्स्ट 24 आवर्स मतलब इनिशियल फेज में कौन सा लोकिया होता है? लोकिया रुबरा, वेरी गुड,
कौन सा लोक्य होता है? लोकिया रुब्रा। और रुब्रा रुबिया में क्या होगा? रेड कलर रीजन है, उसमें ब्लड प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, ब्राइट रेड कलर। ये आप एक्सपेक्ट करेंगे, नॉर्मल फाइंडिंग होगी। फर्स्ट 24 आवर्स में ब्राइट रेड कलर होगा लोकिया का, ब्लड आरबीसी वहां पे प्रेजेंट होती है। लोकिया रुब्रा इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? लोकिया रुब्रा। अब लोकिया क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं उसकी अपन बात करें, तो इस पिक्चर के से अंदर क्लियर है लोकिया क्या है और उसके टाइप क्या है। तो इसमें देख लीजिएगा, लोकिया इज ए वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी कंपोज्ड ऑफ ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को। उसमें डब्ल्यूबीसी होता है, एपिथेलियल सेल्स होती है, डेसिडुआ होती है, ऑटोलाइज्ड प्रोटीन होते हैं और बैक्टीरिया होता है। ये कुछ चीजें होती है, वेजाइनल डिस्चार्ज है डिलीवरी के बाद में, उसके अंदर ये चीजें पाई जाती है, उसको लोकिया बोलते हैं। लोकिया रुब्रा इसका एक टाइप है जो डिलीवरी से 3 दिन का डिस्चार्जेज होता है, फर्स्ट 3 डेज, 0 to 3 डेज जो डिस्चार्जेज होता है उसको लोकिया रुब्रा के नाम से हम जानते हैं। लोकिया सीरोसा जो होता है वो 4th डे से लेके 10th डे, 4 से 10 दिन का जो होता है उसको लोकिया सीरोसा या सीरस लोकिया कहते हैं। और लोकिया एल्बा जिसको व्हाइट लोकिया कहते हैं, 10 दिन से लेके कुछ सप्ताह तक, पोस्ट डिलीवरी कुछ सप्ताह तक के लोकिया को लोकिया एल्बा के नाम से जानते हैं। तो 3 लोकिया हो गया, लोकिया रुब्रा, लोकिया सीरोसा और लोकिया एल्बा। लोकिया जो डिस्चार्जेज है फर्स्ट फोर्टनाइट के जो डिस्चार्जेज है उनमें हम असेस करते हैं कलर को, हम असेस करते हैं अमाउंट को, हम असेस करते हैं ऑर्डर को, हम असेस करते हैं क्लॉट्स को। कलर, अमाउंट, ऑर्डर और क्लॉट्स, ये असेसमेंट होता है लोकिया का। लोकिया का कलर क्या है, लोकिया का ऑर्डर क्या है, अमाउंट क्या है और उसमें क्लॉट्स कैसे है, ये असेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का अबनॉर्मलिटी हो तो ये अबनॉर्मल साइन है, अबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, ब्राइट रेड कलर, फर्स्ट 24 आवर्स में लोकिया रुब्रा होता है जो 3 दिन तक ऐसे ही चलता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है, पेशेंट इज इन आवर लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है पेशेंट, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट हर टू नोटिफाई हर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली इफ सी नोटिस, है ना। अगर ये चीज कोई नोटिस की आपने लास्ट ट्राइमेस्टर में लेडी, और आपने अगर कोई ऐसा कोई चीज नोटिस किया तो तुरंत जो है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। मतलब 4 में से 1 ऐसा साइन है जो कान खड़े कर देगा आपको, 1 ऐसा साइन है जो आपके मन में भोचा ले आएगा कि ओहो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है लेडी को, और 3 ऐसे साइन है जो नॉर्मल है, जो किसी तरीके का भूचाल पैदा नहीं करते हैं, जो कान खड़े नहीं करते हैं। तो कौन सा वो साइन है जो कान खड़े करता है? फर्स्ट है ब्लड विजन, सेकंड है हेमरॉइड्स, थर्ड है इंक्रीज वेजाइनल म्यूकस, और लास्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एग्जर्शन, SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एग्जर्शन, इसको SOB बोलते हैं। तो कौन सा साइन है जो कान खड़े करता है, जवाब लिखिएगा, विच इज द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की, एंड द करेक्ट आंसर इज ए वेरी गुड, ब्लड विजन। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में, लास्ट ट्राइमेस्टर में लेडी को ब्लड विजन हो रहा है, दैट इंडिकेट कि उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होगा, उसको प्री इक्लेम्सिया हो गया शायद, और अब उसको इक्लेम्सिया भी हो सकता है। ब्लड विजन जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया जैसी कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये बनेगा, ये कान खड़ा कर देने वाली कंडीशन है। हेमरॉइड्स का मतलब होता है पाइल्स, और ये ब्लीडिंग वाले पाइल्स हो सकते हैं, तो हेमरॉइड्स यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बनते हैं नॉर्मली। इंक्रीज वेजाइनल म्यूकस जो होता है ये इंडिकेट नहीं करता है कि अबनॉर्मलिटी है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में ये नॉर्मल माना जाता है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एग्जर्शन जो है, जो ग्रेविडी यूट्रस है वो डायफ्राम को कंप्रेस करता है और उसकी वजह से लेडी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ SOB होता है, तो ये भी किसी अबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता नहीं है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है लास्ट ट्राइमेस्टर में। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों ही लास्ट ट्राइमेस्टर की नॉर्मल फाइंडिंग मानी जाती है। ऑप्शन ए जो है ये अबनॉर्मल फाइंडिंग है, अगर ब्लड विजन हो रहा है तो ये अबनॉर्मल कंडीशन है। तो ए इज द करेक्ट वन, बी सी और डी तीनों ही नॉर्मल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम की खोपड़िया में छेद करने जैसा क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल बात लेके आया हूं, पूछा जा रहा है एक एडल्ट फीमेल पेशेंट यूज कर रही है रिदम मेथड यूज कर रही है फैमिली प्लानिंग का, और रिदम मेथड कौन सा है? कैलेंडर बेसल बॉडी टेम्परेचर, इस रिदम मेथड को वो यूज कर रही है।
इन दिस मेथड, इस मेथड में द अनसेफ पीरियड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इंडिकेटेड बाय, ये जो पीरियड है रिदम मेथड, इसमें अनसेफ पीरियड कौन सा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अनसेफ पीरियड कौन सा है रिदम मेथड के अंदर, रिदम मेथड के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अनसेफ पीरियड कौन सा है, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, अनसेफ पीरियड सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर कौन सा है, पहला है रिटर्न प्री ओवुलेटरी बेसल बॉडी टेम्परेचर, सेकेंड है बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 0.1 डिग्री टू 0.2 डिग्री ऑन सेकेंड और थर्ड डे ऑफ साइकिल, थर्ड है थ्री फुल डे ऑफ एलिवेटेड बेसल बॉडी टेम्परेचर एंड क्लियर थिन सर्वाइकल म्यूकस, एंड लास्ट है ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड मिटलचबर्ज, विच इज द करेक्ट वन, जवाब लिखिएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अनसेफ पीरियड कौन सा। देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अनसेफ पीरियड तब होता है जब ओवुलेशन होता है। अब इन चार लाइन के अंदर कौन सी लाइन इंडिकेट कर रही है कि ओवुलेशन हो गया, कौन सी लाइन इंडिकेट कर रही है ओवुलेशन हो गया, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, प्री ओवुलेटरी बेसल बॉडी टेम्परेचर, ये तो खोटा जवाब हो गया, बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है 0.1 to 0.2 डिग्री ऑन सेकंड और थर्ड डे ऑफ साइकिल, साइकिल के सेकंड और थर्ड डे कभी भी ओवुलेशन नहीं होता है, तो वहां पे बढ़ा हुआ बेसल बॉडी टेम्परेचर ओवुलेशन को इंडिकेट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, तीन दिन तक एलिवेटेड रहता है बेसल बॉडी टेम्परेचर और सर्वाइकल म्यूकस क्लियर और थिन अगर हो जाए तो ये ओवुलेशन का साइन है, और अगर ओवुलेशन हुआ है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होने की संभावना। तो सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी जो है ब्रेस्ट टेंडरनेस और मिटलचबर्ज जो है, ये ब्रेस्ट टेंडरनेस हैवीनेस जो होती है ये विश्वासी साइन नहीं है, ये अनसेफ की कैटेगरी में नहीं आएगा, और ज्यादातर ये पीरियड मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान टेंडरनेस बिफोर मेंस्ट्रुअल फेज ज्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट के कारण होता है, तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा। मिटलचबर्ज जो है वो पेन होता है ओवुलेशन के समय, डेफिनेटली होता है, लेकिन इससे ज्यादा अपन को जो मेथड पूछा है वो क्या पूछा है, बेसल बॉडी टेम्परेचर के आधार पे बताओ, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉडी टेम्परेचर चेक करके उससे संबंधित जवाब देना है, आपको बाकी चीजों से संबंधित नहीं देना, तो आप मिटलचबर्ज या ब्रेस्ट टेंडरनेस को जवाब में नहीं इंक्लूड कर सकते जब आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर का पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर अपन इससे देखें तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, ये नॉर्मल टेम्परेचर का चार्ट है जो आपको दिख रहा है, और ये ओवुलेशन से पहले का चार्ट तो ये रहता है, ओवुलेशन जिस दिन हुआ उस दिन होते ही पहले तीन दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीन दिन लगातार टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, चौथा दिन होते ही देखो कम हो गया और फिर ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन पहले तीन दिन ये टेम्परेचर एकदम क्या हुआ, बूस्टअप हुआ, एकदम क्या हुआ, बढ़ा, लगातार इंक्रीज हुआ, पहले तीन दिन ये टेम्परेचर बढ़ा, तो ये फर्स्ट थ्री डेज ये बॉडी बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो स्पीड से इंक्रीज होता है, और ये ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था, और ये इंडिकेट करेगा कि ओवुलेशन हुआ है, ये इंडिकेट करेगा कि ओवुलेशन हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा एक यहाँ पे साइन था मिटलचबर्ज, ये पूछा हुआ सवाल है एग्जाम के अंदर, मिटलचबर्ज जो होता है वो क्या होता है, तो मिटलचबर्ज इज ए पेन विच इज फेल्ट ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के समय जो दर्द महसूस होता है, जो पेन होता है उसको मिटलचबर्ज कहते हैं, दिस पेन इज लोकेटेड ऑन वन साइड एंड इज फेल्ट इन द लोअर एब्डोमन, ये पेन एक साइड में होगा, इधर राइट और लेफ्ट साइड, एक साइड में होगा, लोअर एब्डोमन का ये पेन होगा, ओवुलेशन के समय होने वाला पेन मिटलचबर्ज के नाम से जाना जाता है, ये ईएसआईसी के अंदर पूछा हुआ सवाल है, याद रख लीजिएगा बात पते की है। मिटलचबर्ज हमने बोला बेसल बॉडी टेम्परेचर की बात की, तीन कंटिन्यू फुल डे जो है ये टेम्परेचर एलिवेट होता है वहां पे, और सर्वाइकल म्यूकस बहुत थिन हो जाता है, बात पते की है तो बोले यस, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा ये वो कंटेंट है जो एग्जाम में खोपड़िया में छेद करने के आप काम आएगा, तो इसको शेयर करें, खुद भी पढ़े, दूसरों तक पहुंचाए, शेयर करना आपकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा रहा है ड्यूरिंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट एनएसटी के समय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसिंग डिस्प्ले जो है वो रिलेटिवली फ्लैट लाइन फॉर फिटल मूवमेंट, फ्लैट लाइन आ रहा है मतलब फिटल मूवमेंट के, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट द फिटल हार्ट रेट, फिटल हार्ट रेट को इवैल्यूएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, टू मार्क द स्ट्रिप को मार्क करने के लिए द नर्स इन चार्ज शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू पुश द कंट्रोल बटन एट विच टाइम, स्ट्रिप के अंदर आपको मार्क करना है, मार्क क्या करना है कि फिटल मूवमेंट कब हो रहा है, तो लेडी को जो पुश बटन दिया है उसको किस समय प्रेस करना है, ये आप एज ए नर्स जो है बताएंगे, तो कब बताएंगे मतलब उसको कब प्रेस करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फिटल मूवमेंट, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रेक्शन, आफ्टर एवरी थ्री फिटल मूवमेंट, एट द एंड ऑफ फिटल मूवमेंट, फिटल मूवमेंट के शुरू होते समय, फिटल मूवमेंट के खत्म होते समय, फिटल तीन फिटल मूवमेंट होने के बाद में, और
कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होते समय, जो आप लिखिएगा विच इज द करेक्ट वर्ड, विच इज द करेक्ट वर्ड। नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं अपन, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसिंग डिस्प्ले जो है वो पड़ा हुआ है और लेडी के ऊपर ट्रांसड्यूसर लगा दिए जाते हैं एब्डोमेन के ऊपर, और लेडी को हाथ में बटन पकड़ा दिया आपने ना, और अब आप कह रहे हैं कि इसको प्रेस करना है तुम्हें। कब करना है? जब तब लेडी फीटल मूवमेंट फील करती है, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फीटल मूवमेंट। करेक्ट आंसर ए बनेगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, बिगिनिंग ऑफ द फीटल मूवमेंट, नॉट द एंड ऑफ द फीटल मूवमेंट, क्योंकि एंड के समय अगर आप करोगे तो गलत जगह पे मार्किंग हो जाएगी, और तीन फीटल मूवमेंट के बाद में करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो सी और डी तो खोटे हो गए। और बिगिनिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रेक्शन जो है ये कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट में करते हैं, सी एस टी में, नॉन स्ट्रेस टेस्ट में नहीं करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट में करते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रेक्शन। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, सॉरी ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बी यहाँ पे खोटा जवाब बनेगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट होता है जिसमें ऑक्सीटोसिन देते हैं तब वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हो गया, और जिसमें कॉन्ट्रेक्शन होता उस समय अपन वो पे प्रेस करते, लेकिन ये तो कैसा टेस्ट है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, तो यहाँ कॉन्ट्रेक्शन होंगे नहीं, तो हम कब करेंगे? एट द बिगिनिंग ऑफ फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट के समय उसको प्रेस करना है बटन को। ये बात बहुत पते की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर ए बनेगा, बी सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ये है पिक्चर से, आप इस पिक्चर को आराम से देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो है इधर डिस्प्ले रहेगा, है ना, ये ट्रांसड्यूसर अटैच है और ये ट्रांसड्यूसर मदर के एब्डोमेन पे लगे हुए हैं। उधर की तरफ डिस्प्ले है जहाँ पे आपको फीटल मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी, और मदर को आपने हाथ में पकड़ा दिया ये पुश बटन, तो जैसे ही फीटल मूवमेंट उसको महसूस होता है उसको पुश बटन को प्रेस कर देना है, तो वहां पे मार्किंग हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि फीटल मूवमेंट के दौरान फीटल हार्ट रेट क्या रहती है और बाकी टाइम में क्या रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट का तरीका है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ फीटल मूवमेंट हमें ट्रांसड्यूसर को प्रेस करना है, ऐसा लेडी को आपको सिखाना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्लाइंट मेक ए रूटीन विजिट टू ए प्रीनेटल क्लिनिक, although she is 14 week pregnant, 14 week की प्रेगनेंसी है, लेकिन उसके यूट्रस का साइज जो है वो 18 से 20 वीक वाली प्रेगनेंसी जितना हो रखा है। डॉक्टर ने डायग्नोस किया गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज, GTD, गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज, ऑर्डर किया अल्ट्रासोनोग्राफी। एज ए नर्स आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अल्ट्रासोनोग्राफी की क्या फाइंडिंग आएगी, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर क्या मिलेगा, जब आप गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज डायग्नोस की डॉक्टर ने और यूएसजी करा रहे हैं, तो यूएसजी के अंदर क्या फाइंडिंग मिलेगा जो कंफर्म करेगा इस बीमारी को, गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज, या इसी को अपन बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? मोलार प्रेगनेंसी। पहला है एम्प्टी गैस्ट्रेशन से, दूसरा है ग्रेप लाइक क्लस्टर, तीसरा है सिवरल माल फॉर्म्ड फीटस, लास्ट है एन एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी। विच इज द करेक्ट वन? एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कौन सा आंसर करेक्ट बनेगा? वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया। गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज में ग्रेप लाइक क्लस्टर वहां पे देखने को मिलता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मोलार प्रेगनेंसी या गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज में ग्रेप लाइक क्लस्टर देखने को मिलता है, वहां पे जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं, वो ट्रांसपेरेंट एक ग्रेप लाइक अपीयरेंस देगा, ना तो एम्ब्रियो बनेगा ना उसमें कोई फीटस बनेगा। अगर अपन पिक्चर से देखें तो इसका जो अपीयरेंस है कंप्लीट मोलार, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका जो अपीयरेंस होता है वो अपीयरेंस कैसा दिखेगा? ये अपीयरेंस ग्रेप लाइक पैटर्न में दिखेगा। यहाँ पे कंप्लीट आइडेंटिटी फॉर्म मोल बन गया है और विलाई जो है वो ग्रॉसली स्वेलन हो चुके होते हैं और लिंक्ड रहते हैं बंच ऑफ ग्रेप जैसे वो दिखते हैं और कोई एम्ब्रियो वहां पे नहीं होता, देर इज नो एम्ब्रियो, है ना, बंच जैसा ये दिखता है, ग्रेप जैसे ये अपीयरेंस देने लग जाता है। इसको मोलार प्रेगनेंसी के नाम से या आइडेंटिटी फॉर्म मोल, गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज, ये सारे नाम इसी के, जिसमें HCG का लेवल, ह्यूमन कोरोनरी गोनोट्रोपिक हार्मोन का लेवल बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, HCG का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज के में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू असेस इन मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग, कौन सी चीज इनअप्रोप्रिएट रहेगी असेसमेंट के दौरान उस मदर में जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर में कौन सी चीज का असेसमेंट जो है वो इनअप्रोप्रिएट असेसमेंट है? द अटैचमेंट ऑफ द बेबी टू द ब्रेस्ट, द मदर्स कंफर्ट लेवल विद पोजिशनिंग ऑफ द बेबी, ऑडिबल स्वेलोइंग, द बेबीज लिप स्मैकिंग। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है लेडी बच्चे को, तो पहला ऑप्शन है अटैचमेंट ऑफ द बेबीज टू द ब्रेस्ट, ये तो नॉर्मल है, इसको असेस करने की जरूरत नहीं है, ये अप्रोप्रिएट है, ये इनअप्रोप्रिएट नहीं है।
क्योंकि बेबी को ब्रेस्ट से अटैचमेंट रखना जरूरी है सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। दूसरा है मदर्स कंफर्ट लेवल विद पोजीशनिंग, बिल्कुल मदर के कंफर्ट लेवल का ध्यान रखना है और बेबी की पोजीशन ऐसे हो जिसमें मदर कंफर्ट हो तो अच्छे से फीड करवा पाएगी, ये बात भी जरूरी है। और ऑडिबल स्वलोइंग होना तो कतई जरूरी है, लैड जब पड़ते हैं है ना, और उसके अंदर लैड्स के अंदर जो ऑडिबल स्वलोइंग जो है, ये का मतलब ही है ऑडिबल स्वलोइंग, और ऑडिबल स्वलोइंग जो है वो जरूरी है ताकि जो है बढ़िया से बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। तो ए बी और सी ये तीनों तो अप्रोप्रिएट साइन है ब्रेस्ट फीडिंग के। ऑप्शन डी द बेबी इज लिप स्मैकिंग, ये इन अप्रोप्रिएट है, ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अप्रोप्रिएट साइन नहीं है। बेबी का लिप जो है वो स्मैक कर रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है और ये ब्रेस्ट फीडिंग को अनसक्सेसिव कर सकता है। इसलिए आंसर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, इन अप्रोप्रिएट पूछा इसलिए डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ए बी और सी तीनों खोटे जवाब है, डी इज द करेक्ट वन, बेबी इज लिप स्मैकिंग। अगर अपन पिक्चर से देखें नॉर्मल और अबनॉर्मलिटी के बारे में, तो यहाँ देखिएगा कि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक की बात करते हैं तो ये जो डीप लैट जोन है, ये जो निप्पल बच्चे के यहाँ पे पूरी तरीके से होल्ड है, ये जो टंग है बच्चे की ये नीचे की तरफ पाई जाती है, और इसका लिप है वो कम्प्लीटली जो है यहाँ पे ब्रेस्ट के निप्पल को और एरियोला को कम्प्लीटली कवर करता है, ये नॉर्मल और गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक मानी जाती है। दूसरी तब इम्प्रॉपर लैट जो है, इसमें बच्चे ने जो है हल्का सा निप्पल आगे से पकड़ रखा है, बाकी निप्पल भी पूरा होल्ड नहीं है, सही तरीके से नहीं है, और इस तरीके का अगर दिखे तो ये लैट जो है या ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनअप्रोप्रिएट तरीके से होगी। तो एक प्रॉपर टेक्निक, एक इम्प्रॉपर टेक्निक, दो बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या चीज़ रहती है, क्या चीज़ को ध्यान रखना है कि नहीं है, और ये क्वेश्चन कई बार आए भी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें, शेयर करें, लोगों की मदद करें, और इस तरीके की कंसेप्शुअल स्टडी आप करना चाहते हैं, 6 महीने की कंसेप्शुअल स्टडी आप करना चाहते हैं तो एड्रेस एक ही है, लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। नया मॉर्निंग बैच शुरू होने जा रहा है 25 अप्रैल से, अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 25 अप्रैल से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें, ₹1000 डिपॉजिट करवा के रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर है 7272029029, नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके 1000 और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें और नया मॉर्निंग बैच ज्वाइन करें नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का। 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे टोटल फीस में ₹2001 का फायदा, 18,000 की जगह टोटल फीस लगेगी 15,999 एक 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे। फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी सीट कंफर्म करें, कोविड गाइडलाइन के चलते सीट्स लिमिटेड है तो सीट जरूर कंफर्म कर दें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूलें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथी पर और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन बढ़िया और सुंदर सी चीजें बातें सुन रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।